हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो लेक्चर में। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने सीखा था कि कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारी वीडियोज को लाइक करें। आपके सपोर्ट से ही हम आगे कुछ कर पाएंगे, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, समझते हैं दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ये वे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज ये सब चीजें मिलती है। यानी कि जिस सेंटेंस में आप किसी को सलाह देते हो या आप किसी को आदेश देते हो या आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, ये वही सेंटेंस होते हैं जिसमें ये सब चीजें पाई जाती है। जैसे हम कहने लगे कि कम हियर, हमने क्या कहा, कम हियर, यहां आओ, यहां आओ, तो यहां पर क्या दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है। अगर इसी से पहले हम क्या लगा दे, प्लीज लगा दे, हम क्या लगा दे, प्लीज लगा दे और कहे प्लीज कम हियर, तो वो जल्द दौड़ा दौड़ा आएगा। क्या आएगा, दौड़ा दौड़ा। अगर आप कम हियर, क्यों भाई मैं तो नहीं आता, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, कम हियर और प्लीज कम हियर, कम हियर और प्लीज लगते, देखो सब कुछ बदल गया है ना, सब कुछ बदल जाता है प्लीज लगते ही, और नहीं तो क्या है हमारा, ऑर्डर वाला है। तो ये वे सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता। देखो सब्जेक्ट तो इनमें होता है, लेकिन जब बार बार एक ही सब्जेक्ट को हम यूज करते रहते हैं तो जो अंग्रेज होते हैं ना, इनकी हालत बिगड़ जाती है, इसलिए क्या करते हैं, उसको छिपा देते हैं, ओमिट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सेड और सेड टू की जगह हम आस्क, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, कमांड और फोरबेड, इनका यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। यानी कि सेंटेंस की क्या सेंस है उसी के अकॉर्डिंग हम इनका यूज करते हैं। कंजंक्शन टू लगती है और एक कंजंक्शन नॉट टू लगती है। अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस किसमें है, निगेटिव में है, किसमें है, निगेटिव में है, तो हम किसका यूज करेंगे, नॉट टू का यूज करेंगे। पॉजिटिव में है तो हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो दोस्तों समझते हैं सबसे पहले कि जो हमारे ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं उनको कैसे करते हैं। सबसे पहले जिन सेंटेंस में आपको क्या लिखा मिलेगा, ऑर्डर, ऑर्डर को क्या कहते हैं हम, आदेश। जिस सेंटेंस में आदेश होगा उनको हम कैसे करेंगे, तो एक सेंटेंस ले लेते हैं, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी स्टैंड अप। अब जो टीचर है भैया वो तो आदेश ही देगा ना, टीचर तो आदेश देता है और गुरुओं का आदेश तो भाई सर्वोपरि होता है। आइए, द टीचर सेड टू मी स्टैंड अप, टीचर ने कहा खड़ा हो जा, अरे भाई, तो क्या होगा, आदेश होगा। तो इसको कैसे करेंगे, हमने अभी कहा है कि जहां पर आदेश होगा वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ऑर्डर्ड का यूज करेंगे। तो बस शुरू कर देते हैं, द टीचर सेड टू का क्या होता है, ऑर्डर्ड मी। अब ये हमारा एडजेक्टिव है तो इसमें किसका यूज करेंगे, टू का, और इसको ऐसे ही लिख देंगे हम, स्टैंड अप, टू स्टैंड अप। एक और देख लेते हैं, द मास्टर से टू द सर्वेंट डू दिस वर्क, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट डू दिस वर्क। क्या कहा इसने, द मास्टर से टू द सर्वेंट डू दिस वर्क, तो क्या करेंगे, द मास्टर, अब जो मास्टर होगा वो नौकर को क्या, ये कहेगा अरे भाई कर दे, अरे बिल्कुल नहीं कहेगा, नौकर बिल्कुल नहीं करेगा, है ना, तो क्या करेगा मास्टर, उसको आदेश दे भाई इस काम को कर, तुझे ये काम करना है। तो क्या करते हैं, द मास्टर सेड टू का क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड द सर्वेंट, और कंजंक्शन क्या लगेगी हमारी, टू डू दिस का क्या हो जाता है, दैट वर्क, क्या हो जाएगा, दिस का दैट वर्क। एक और देख लेते हैं, द प्रिंसिपल सेड, द प्रिंसिपल सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, द प्रिंसिपल सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, सिट डाउन बॉयज, सिट डाउन बॉयज,
अब ये वही बात हुई कि प्रिंसिपल क्लास में आते हैं, स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं सिट डाउन, या तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि सिट डाउन, और उन्होंने कहा सिट डाउन बॉयज, तो यहां पर वही है और उन्हीं को ही वो दोबारा से कह रहे हैं। तो यहां पर जब ऐसी कंडीशन बनती है, जब भी कॉमे के बाद ऐसी कोई चीज आ जाती है और उसी को ही हम ये बात कर रहे हैं, तो वो इसका ऑब्जेक्ट होता है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का वो ऑब्जेक्ट होता है, तो यहां पर हम उसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो द प्रिंसिपल यहां पर हो जाएगा क्या, ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन, टू सिट डाउन, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। एक और देख लेते हैं, द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड कोमा इनवर्टेड कोमा फायर, क्या कहा, फायर, गोली चलाओ। तो कैसे करेंगे, द कैप्टन ऑर्डर्ड, द कैप्टन ऑर्डर्ड टू फायर, द कैप्टन ऑर्डर्ड टू फायर। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने सीखा कि ऑर्डर वाले सेंटेंस की इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, अभी हम देखते हैं कि जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं उनको इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। एक सेंटेंस देख लेते हैं, शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, शी सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। इसमें बस एक छोटी सी बात है दोस्तों कि जहां पर भी अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, काइंडली, या फिर सर आ जाए, क्या आ जाए, या फिर सर आ जाए, तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे रिक्वेस्टेड का। किसका यूज करेंगे दोस्तों, रिक्वेस्टेड का, क्या आ जाए, प्लीज काइंडली और सर आ जाए, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम यूज करेंगे किसका दोस्तों, रिक्वेस्टेड का। तो बस करते हैं, सी सेड टू का क्या हो जाएगा, सी सेड टू का हो जाएगा रिक्वेस्टेड, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्लीज आया है, रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज को हटा दे, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, प्लीज को हटा देंगे, तो यहां पर कंजंक्शन टू लगा देंगे, टू हेल्प। अब मी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन है, क्या है, मी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन है जिसको हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, किसके साथ चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी। तो अब हम यहां पर मी को किसके साथ चेंज करेंगे, सी के साथ चेंज करेंगे, लेकिन यहां पर मी हमारा ऑब्जेक्ट है और सी हमारा सब्जेक्ट है, हमें जरूरत है किसकी, हमें जरूरत है ऑब्जेक्ट की, ना कि सब्जेक्ट की। तो बस फिर हम कहां जाएंगे, सी के ऑब्जेक्ट के पास, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल गया, तो हम मी की जगह किसका यूज कर देंगे, हर का यूज कर देंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्लीज हेल्प हर। एक और सेंटेंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, आई सेड टू हिम प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई सेड टू हिम प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अब देखो फ्रेंड्स, अब इसमें दोनों चीज आ गई, अब इसमें निगेटिव भी आ गया और इसमें रिक्वेस्ट भी आ गए। अब देखो निगेटिव वाले में हम क्या करेंगे, नोट टू लगाएंगे, देखो कैसे, आई सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, क्योंकि प्लीज आया तो रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा, तो क्या करा हमने, आई रिक्वेस्टेड हिम। अब ये तो हट गया भाई, ये तो इसको तो हम हटा देते हैं, क्योंकि इसकी जगह हम किसका यूज करते हैं, रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इस डू नोट का क्या करेंगे, इस डू नोट को भी हटाएंगे और इसकी जगह क्या यूज करेंगे, हम नोट टू कंजंक्शन का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में हम नोट टू का यूज करते हैं और पॉजिटिव में हम टू का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, नोट टू, अब फिर क्या आ जाएगी हमारी वर्ब डिस्टर्ब, और मी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन है जो सब्जेक्ट से बदलेगा, और सब्जेक्ट से बदलने के बाद फिर मी आ जाएगा, देख लो कैसे, मी किससे बदला, सब्जेक्ट से। अब यहां पर सब्जेक्ट तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की नीड है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी। एक और देख लेते हैं, ही सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट, ही
He said to the teacher, "Sir, mark me present." अब देखो हमने कहा था कि जहां पर भी सेंटेंस में प्लीज काइंडली या सर आ जाए तो हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, हम यूज करते हैं प्लीज का। किसका यूज करते हैं हम? रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। तो बस ही सेड का क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड द टीचर, रिक्वेस्टेड द टीचर। अब यहां पर इसको हटाएंगे क्योंकि रिक्वेस्ट हमने यहां पर यूज कर ही लिया है, और बस फिर क्या कर देंगे इसमें लगा देंगे टू। क्या लगा देंगे फ्रेंड इसमें? टू मार्क। अब जो मी है ये फर्स्ट पर्सन है तो ही से बदलेगा। किससे बदलेगा? ये ही से बदलेगा। और जब ये ही से बदलेगा तो इसमें हम क्या लेके आएंगे? हिम लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे हिम? देख लेते हैं। मी है, ही से बदल रहा है, हमें नीड है ऑब्जेक्ट की, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, तो ही का हमें क्या लेना पड़ेगा फ्रेंड्स? हमें इसका लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट होता है हमारा हिम। तो यहां पर क्या लिखेंगे? हिम प्रेजेंट। क्या लिखेंगे इसको हम? प्रेजेंट। आगे एक और देख लेते हैं। द बॉय सेड टू द नहीं द पियोन सेड टू द मैनेजर, द पियोन सेड टू द मैनेजर, मैनेजर कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, काइंडली ग्रांट मी लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर क्या लिखा मिला हमें? काइंडली। यहां पर हमें क्या लिखा मिला? सर। यहां पर हमें क्या मिला? प्लीज। यहां पे भी हमें क्या मिला? प्लीज। और हमने यही तो बात यहां पे समझी है कि जहां पर प्लीज काइंडली या सर आ जाए उसी के साथ हम किसका यूज कर देंगे? रिक्वेस्टेड का, और उन वर्ड्स को हटा देंगे। बस वही काम तो किया है। यहां पर क्या करेंगे? द पियोन सेड टू का क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड द मैनेजर, और काइंडली का क्या हो जाएगा? काइंडली को हटा देंगे क्योंकि काइंडली का क्या बन गया? रिक्वेस्टेड बन गया। और यहां पर क्या लिखेंगे? टू ग्रांट मी। अब मी किससे बदलेगा? पियोन से बदलेगा। अब पियोन ही है तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। देखो पियोन ही है, ही का क्या हो गया? हिम हो गया। हिम लीव। सो फ्रेंड्स ये हमने सीखा कि जिसमें रिक्वेस्ट होती है उसको हम कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हमने सीखा था कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। अब हम समझते हैं कि एडवाइस जिसमें सलाह आ जाए उस सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। तो देखते हैं। माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। तो इसमें क्या? माने मुझे सलाह दी कि ईमानदार बनो ना भाई। क्या बनो? ईमानदार बनो। और जहां पर भी सलाह दी जाती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं? वहां पर हम यूज करते हैं एडवाइज का। किसका यूज करते हैं? एडवाइज का। तो यहां पर क्या करेंगे? सेड टू की जगह एडवाइज लगाएंगे। माई मदर एडवाइज मी, और कंजंक्शन क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू बी ऑनेस्ट। क्या कहा इसने? माई मदर सेड टू का क्या हो जाएगा? एडवाइज मी टू बी ऑनेस्ट। एक और देख लेते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवाई लें। तो डॉक्टर क्या करेगा? सलाह तो देगा, मानो ना मानो आपका काम, ठीक है। तो आइए करते हैं शुरू। द डॉक्टर सेड टू का क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड किसको? द पेशेंट। क्या? नोट, नोट टू, अरे नहीं भैया टू, कंजंक्शन क्या लगेगी? टू। टेक मेडिसिन ऑन टाइम,
टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। एक और देख लिखता है फ्रेंड्स, आई सेड टू रवि नेवर चीट एनीवन, आई सेड टू रवि कोमा इन्वर्टेड कोमा नेवर चीट एनीवन। तो इसमें भी सलाह दी गई है फ्रेंड्स, तो इसको करते हैं, बस इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगेगी। आई सेड टू का क्या हो जाएगा, एडवाइज, आई एडवाइज रवि, आई एडवाइज रवि। अब जो इसमें कंजंक्शन लगेगी, जो इसमें कंजंक्शन लगेगी वो लगेगी हमारी टू, भले ये निगेटिव वर्ड हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेवर लिखेंगे, नेवर, और उसके बाद टू लगाएंगे, किसके बाद, नेवर के बाद टू लगाएंगे, नेवर टू चीट एनीवन। बस हमेशा एक ही बात ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें नेवर लग के आ जाए उसमें एडवाइजर लगा दिए, और एडवाइज लगाने के बाद उसकी सेंस के अकॉर्डिंग, देखो भाई सेंस के अकॉर्डिंग, कभी कभी ऐसा होगा कि उसमें ऑर्डर भी आ सकता है, क्या आ सकता है, उसमें ऑर्डर भी आ सकता है। अगर ऑर्डर आ जाएगा तो यहाँ पे ऑर्डर कर देना, और फिर नेवर, नेवर के बाद टू लगाना है, ये नहीं करना कि टू इसके इससे पहले टू लगा दिया, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नेवर के बाद टू लगाना है। एक और सेंटेंस देखते हैं, माय फादर सेड टू मी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब बात यह आती है, जब भी ऑलवेज आएगा, जब भी ऑलवेज आएगा तो उसमें हमेशा एडवाइस लगेगा, क्या लगेगा, एडवाइस लगेगा, जब भी ऑलवेज आता है हमेशा एडवाइस लगता है। तो बस करते हैं, माय फादर एडवाइज मी, माय फादर एडवाइज मी, बस क्या करना है, जो हमने नेवर के साथ ट्रीट किया था वही हम ऑलवेज के साथ करेंगे। बस सबसे पहले ऑलवेज लिखेंगे और उसके बाद टू लगाएंगे, ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ, जैसे नेवर के बाद टू लगाएंगे और ऑलवेज के बाद टू लगाएंगे। बस ये बात ध्यान रखने की है, जब भी नेवर ऑलवेज आए तो उसके बाद हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने सीखा कि जो आपके एडवाइज वाले सेंटेंस होते हैं उनको इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। अब हम समझते हैं कि जो प्रोहिबिशन होता है जिसमें मना की जाती है उस सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, समझते हैं। जब भी आपको प्रोहिबिशन हो तो उसमें हम फोरबेड का यूज करेंगे, यदि फोरबेड का यूज करेंगे तो कंजंक्शन टू लगाएंगे, अगर आप फोरबेड का यूज नहीं करते हैं सिंपली इनवर्ड्स का यूज करते हैं तो आप क्या लगाएंगे, कंजंक्शन नो टू का यूज करेंगे। तो आइए समझते हैं, मदर सेड टू हर चाइल्ड, मदर सेड टू हर चाइल्ड, डोंट प्ले, डोंट प्ले इन द सन, ऐसे सेंटेंस दिया है, मदर सेड टू द चाइल्ड डोंट प्ले इन द सन। तो इसको करते हैं, दोनों तरीके से करेंगे, मदर, मदर ने क्या मना किया, क्या किया मदर ने, मना किया। अब जब मना किया तो मना करेंगे तो क्या करेंगे, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड हर चाइल्ड, एडवाइज्ड हर चाइल्ड, इस डोंट को हटा देंगे और यहां पर क्या लगाएंगे, नॉट टू प्ले इन द सन, नॉट टू प्ले इन द सन। अगर आपको इन वर्ड्स का यूज नहीं करना है, आपको दिक्कत आती है कि इसमें कौन सी सेंस आ रही होगी, तो सीधा सा रूल है, आप फोरवर्ड लगाइए और फोरवर्ड के साथ कंजंक्शन टू लगा दीजिए, बस यही करना है। कैसे, मदर फोरबेड हर चाइल्ड, बस इसमें कंजंक्शन क्या लगेगी, टू लगेगी, डोंट हट जाता है, टू प्ले इन द सन। एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स सेंटेंस, She said to her servant, "Don't sit here." तो sentence,
सीधा सा है, इसमें क्या करेंगे, या तो फॉरबिड लगा लीजिए या ऑर्डर लगा दीजिए, क्योंकि सर्वेंट को क्या दिया जा रहा है, आदेश तो दिया जा रहा है, तो दोनों से कर लेते हैं, जो उनसे आपको अच्छा लगे वो कर लेना। सी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट, और यहां पर क्या करेंगे फिर, नोट टू सिट हियर का क्या हो जाएगा, देयर। फिर यदि इससे नहीं करना है, फॉरबेड से करना है, तो ऐसे करेंगे, सी फॉरबेड हर सर्वेंट टू सिट देयर। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसी के साथ जो हमारे ask, requested, advise, ordered, command, forbid वाले जो भी सेंटेंस होते हैं, उनका हम कैसे इनडायरेक्ट करते हैं, वो हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम समझते हैं let और letus वाले सेंटेंस को हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि let वाले सेंटेंस के जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं उनका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं, आइए समझते हैं। लेट में दो चीजें होती है, लेट में रिक्वेस्ट भी होती है और लेट में ऑर्डर भी होता है। कब लेट में रिक्वेस्ट होगा, कब ऑर्डर होगा, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यदि लेट में क्या आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, तो उसको कैसे पहचाने, उसको हम कैसे पहचाने, जब भी लेट में क्या आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, तो हम उसको कैसे पहचाने। तो यदि सेंटेंस की शुरुआत, यदि आपके सेंटेंस की शुरुआत लेट मी से होती है, क्या होती है, लेट मी से होती है, अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत लेट मी से होती है, तो आपको क्या यूज करना है, रिक्वेस्टेड का यूज करना है। क्या करना है, रिक्वेस्ट, यानी कि वहां पे रिक्वेस्ट की गई है। तो कैसे देख लेते हैं एक सेंटेंस, ही सेड टू मी लेट मी गो नाउ, ही सेड टू मी लेट मी गो नाउ। तो आइए करते हैं इसको, ही सेड टू का क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने कहा है कि जहां पर लेट मी का यूज होगा, वहां पर हम रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। तो ही रिक्वेस्टेड मी, और कंजंक्शन टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसमें, कंजंक्शन टू लगाएंगे। अब जो लेट है, इस लेट का क्या होगा, लेट को ऐसे ही लेट रखें, इसको चेंज नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टू लेट। लेकिन जो मी है ये बदलेगा ही से, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन है, और फर्स्ट पर्सन के प्रनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ बदलते हैं। तो मी किससे बदला, ही से, तो ही से बदलने के बाद क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट हमें लेना पड़ेगा क्या, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, हिम गो, और गो का नाउन का क्या हो जाता है, देन, नाउन का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। एक और देख लेते हैं, सी सेल टू मी लेट मी स्लीप नाउ, सी सेल टू मी लेट मी स्लीप नाउ। तो यहां पर देख लेते हैं, लेट मी आया है दोबारा से, क्या है फ्रेंड्स, दोबारा से लेट मी आया है, लेट मी आया तो रिक्वेस्टेड आएगा, तो सी रिक्वेस्टेड मी टू लेट मी, किससे बदलेगा, सी से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हर, टू लेट हर स्लीप नाउ का क्या हो जाएगा, देन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर लेट में क्या आ जाए, ऑर्डर आ जाए, तो उसकी पहचान कैसे करें, तो समझते हैं, ये लेट में क्या आ जाए, ऑर्डर, तो ऑर्डर आ जाए तो कैसे पहचान करेंगे, तो लेट हिम या लेट देम अगर आपके सेंटेंस में आएगा, अगर आपके सेंटेंस में फ्रेंड्स क्या आता है, लेट हिम या लेट देम आता है, तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फ्रेंड्स ऑर्डर्ड का, किसका यूज करते हैं, ऑर्डर्ड का, कैसे देख लेते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू मी, क्या कहा, द प्रिंसिपल सेड टू मी, सेड टू द प्योन, सेड टू द प्योन
लेट हिम गो नाउ, लेट हिम गो नाउ। तो अब देखें यहां पे हिम लग के आया है, क्या लग के आया है, हिम लग के आया है। और जब यहां पे हिम लग के आया है तो हमें क्या पता चला, लेट हिम और लेट देम के साथ किसका यूज होता है, लेट हिम और लेट देम के साथ ऑर्डर्ड का यूज होता है। किसका यूज होता है, ऑर्डर्ड का। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, ऑर्डर्ड का, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट हिम। अब हिम क्यों चेंज नहीं किया, इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि हिम हमारा थर्ड पर्सन का प्रनाउन है जिसमें चेंज नहीं होता। गो और नव का क्या हो जाएगा, देन, फुल स्टॉप। नव का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा और यहीं पर फुल स्टॉप हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, मदर मदर सेड टू मी लेट कविता रीड। मदर said to me let कविता read। अब दोस्तों ये sentence एक ऐसा sentence है, अब मैं यहां पे एक बात बताता हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनना friends। वो ये है कि जब भी आप ये confused हो जाए, जैसे ये sentence है, अब बताओ इसमें हम advice लगाए या इसमें हम order लगाए, क्या लगाए, हमें ही नहीं पता चला इसमें क्या लगाए। जब ऐसे डायलेमा आ जाए, ऐसी असमंजस की स्थिति आ जाए कि हम ये पहचान ना कर पाए कि इसमें ऑर्डर है या इसमें रिक्वेस्ट है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा एक एक ही काम करना है कि हमें आस्कड का यूज करना है। किसका यूज करना है फ्रेंड्स, हमें आस्कड का यूज करना है। जब ये पता ना चल पाए कि सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है या रिक्वेस्ट की गई है, तो हमें क्या करना है, आस्कड का यूज करना है। तो बस यहां पर हम किसका यूज करेंगे, आस्कड का। तो क्या हो जाएगा, मदर आस्क्ड मी टू लेट कविता रीड। तो इसी के साथ फ्रेंड हमने सीखा कि लेट वाले सेंटेंस में हम इनडायरेक्ट करते वक्त क्या क्या चेंज करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझते हैं कि लेट्स वाले सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि लेट्स वाले सेंटेंस के इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। आइए समझते हैं, जो लेट्स वाले सेंटेंस होते हैं बस उसमें थोड़ा सा काम हमें करना है। क्या करना है, देखिए, अगर सेड या सेड टू होगा लेट्स वाले सेंटेंस में, लेट्स वाले सेंटेंस में जो सेंटेंस लेट्स से शुरू होंगे उनको कैसे करें वो समझते हैं। अगर सेड या सेड टू है तो उसको सजेस्टेड या प्रपोज्ड किसी एक चीज में बदले, किसमें बदले, सजेस्टेड या प्रपोज्ड किसी एक चीज में बदले फ्रेंड्स, और उसके साथ कंजंक्शन किसका यूज करें, डेट का यूज करें। किसका यूज करेंगे, डेट का यूज करेंगे। इसके बाद जो लेट्स होगा, जो लेट्स होगा उसे हटा के हम देसुड विसुड या यूसुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, देसुड विसुड या यूसुड का यूज करेंगे। लेकिन इनकी कुछ कंडीशंस है, क्या है इनकी कुछ कंडीशंस है फ्रेंड्स, वो क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट किसमें हो, किसमें हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। क्या कहा, रिपोर्टिंग वर्ब में दो ही चीज होती है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कोई भी एक, या तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, कोई भी एक अगर आपका फर्स्ट पर्सन का हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर आपका फर्स्ट पर्सन का हो जाता है तो हम किसका यूज करेंगे, हम वी सुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम वी सुड का यूज करेंगे। अगर फ्रेंड्स यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन हो, केवल 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 की बात क्या है, अगर उसमें सब्जेक्ट दिया है ओनली, तो वो थर्ड पर्सन का होना चाहिए। अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो भी थर्ड पर्सन का होना चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दे रखे हैं ना रिपोर्टिंग वर्ब में, तो दोनों आपके थर्ड पर्सन के होने चाहिए। उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, देसुड का यूज करेंगे। लेकिन एक कंडीशन और आती है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन का नहीं होता, क्या नहीं होता, दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन का अगर नहीं होता तो हम यूज करेंगे यू शुड का। आइए एक एक एग्जांपल से इनको समझ लेते हैं। आइए समझते हैं फ्रेंड्स, आई सेड लेट अस
एक बात, तो कैसे करेंगे? देखो अब यहां देखो, ये हमारी क्या है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है फ्रेंड्स? ये देखो फ्रेंड, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और इधर हमारा फर्स्ट रूल लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक, हमें कोई भी एक क्या हो, फर्स्ट पर्सन का हो। देखो ये फर्स्ट पर्सन का हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन का हो गया। तो हम अब देखो कैसे करेंगे, आई सेड की जगह सजेस्टेड या प्रपोज्ड में से किसी एक का यूज करेंगे। तो हमने किसका यूज किया, सजेस्टेड। आपका मन करे तो आप प्रपोज्ड का यूज कर सकते हैं। कंजंक्शन किसका यूज करेंगे, डेट का। अब जो लेटर्स है इसकी जगह हम क्या लेंगे, देसुड, वीसुड या यूसुड, हमें यहां पर लेना पड़ेगा वीसुड, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है। क्या है, फर्स्ट पर्सन का। अगर ये ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन का होता तब भी हमें आई लेना पड़ता, कि वो सॉरी क्या लेना पड़ता, हमें वी शुड लेना पड़ता। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, वी शुड टेक बाथ। क्या लेंगे, वी शुड टेक बाथ। एक और सेंटेंस लेते हैं और उससे समझते हैं, ही सेड, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, लेट अस प्ले, लेट अस प्ले। अब देखते हैं इसमें क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ही सेड। सबसे पहले तो हम कंजंक्शन क्या करेंगे, सेड की जगह क्या लगाएंगे, सबसे पहले सेड की जगह सजेस्टिव या प्रपोज्ड में से कोई एक चीज लगाएंगे। तो हम यहां पर क्या लगाते हैं, सजेस्टेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, सजेस्टेड लगाते हैं, और सजेस्टेड के बाद कंजंक्शन क्या लगाएंगे, हम डेट लगाएंगे। अब बात करते हैं लेटर्स की, किसकी बात करते हैं, लेटर्स की। अब लेटर्स का क्या करें भाई, लेटर्स का क्या करेंगे, देखो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में हमने कहा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी एक, क्या कहा, दोनों में से कोई भी एक अगर आपका थर्ड पर्सन का हो, क्या हो, अगर आपका थर्ड पर्सन का हो, तो हम किसका यूज करेंगे, दे सुड का यूज करेंगे। क्या करेंगे, दे सुड का। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दे सुड प्ले। क्या करेंगे हम, दे सुड प्ले। तो एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स, वो क्या है, मनु सेड टू मी लेट अस टेक सॉफ्ट ड्रिंक। मनु, मनु सेड टू मी लेट अस टेक सॉफ्ट ड्रिंक, लेट अस टेक सॉफ्ट ड्रिंक। तो बस करते हैं मनु। अब देखो यहां पे मनु क्या है, थर्ड पर्सन, ये क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन। तो बात क्या हो गई, फर्स्ट पर्सन अगर आ गया, क्या कहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कोई भी एक, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, कोई भी एक अगर आपका क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन का आ गया, तो हम वी शुड का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि ये थर्ड पर्सन आ गया, क्या होना चाहिए, अगर यहां फर्स्ट आ गया तब भी हम वी शुड का यूज करेंगे, अगर इधर फर्स्ट पर्सन आ गया, इधर सेकेंड पर्सन आ गया, तब भी हम किसका यूज करेंगे, वी शुड का यूज करेंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि किसी भी तरफ अगर आपका फर्स्ट पर्सन का आ जाता है तो वी शुड आएगा। अगर ये इसको हटा देंगे, मी को हटा देंगे, मी को हटते ही क्या बचा हमारा, थर्ड पर्सन, तो हम किसका यूज करेंगे, दे सुड का। ये कंडीशन हमारी बन गई। तो बस करते हैं मनु सजेस्टिव मी डैट। अब लेटर्स का क्या करेंगे, अभी तो पता किया हमने, यहां पर क्या करेंगे, वी शुड टेक सॉफ्ट ड्रिंक, वी शुड टेक सॉफ्ट ड्रिंक। अब समझ लेते हैं कि यू शुड का यूज हम कैसे करें। देखिए, यू सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, लेट, लेट अस ईट सम स्वीट्स, लेट अस ईट सम स्वीट्स। तो क्या करेंगे हम, यू सेड की जगह क्या लगाएंगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में से एक लगा लेंगे। तो अब की बात प्रपोज्ड ले लेते हैं, यू प्रपोज्ड दैट। अब देखिए, आपका फर्स्ट पर्सन का नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपका फर्स्ट पर्सन का नहीं होना चाहिए, क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई भी, किसका नहीं होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन का नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट पर्सन का टकरा गया, चाहे इसके साथ टकरा जाए या इसके साथ आ जाए या इसके साथ, तो आपका लगेगा वी शुड। लेकिन इसमें क्या कंडीशन कही है, यदि फर्स्ट पर्सन का नहीं होता तो हम क्या करेंगे, यू शुड का यूज करेंगे। कब, जब कोई भी फर्स्ट पर्सन का न हो। तो बस यू सेड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू शुड ईट सम स्वीट्स, फुल स्टॉप।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हमने पूरा कर लिया है अपना इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। आई होप आपने बड़े ध्यान से इसको देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको इनमें किसी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में अब तक जो हमने समझाया है या समझने की कोशिश की है, कहीं भी कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, और आज की वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा वो भी आप इसको लिख सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का जरूर आंसर देंगे। और फ्रेंड्स, हम आपसे कहते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय।